हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल में और एक यूकैरियोटिक सेल में। पहली बात, हमने सेल को दो तरीके से डिवाइड कर रखा होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। आज हम इन्हीं दोनों सेल्स के बीच के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में आता है बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल में आता है प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल्स और प्लांट सेल। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि ये न्यूक्लियस से पहले का जो सेल है, मतलब इसमें हमें कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं मिलता, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक सेल में मतलब हमें प्रॉपर एक न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, तीसरा कि हमें प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलते, वो एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ, यूकैरियोटिक सेल हमारा स्मॉल होता है, यूकैरियोटिक सेल हमारा लार्ज होता है। फिफ्थ डिफरेंस कि हमने जैसे बोला कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट होता है। सिक्स्थ डिफरेंस है सेल वॉल का, प्रोकैरियोटिक सेल में हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। बट इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि हमारे प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फंजाई में हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल में हमारी सेल वॉल एब्सेंट होती है, एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं मिलती। सेवंथ है राइबोसोम, इसमें 70S राइबोसोम होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में 70S और 80S दोनों तरह के पाए जाते हैं। नाइन्थ है सेल मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक सेल में जो बैक्टीरिया या वायरस जो भी है उनके सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन या LPS जिसे कहते हैं लिपोपॉलीसेक्राइड, और यूकैरियोटिक सेल में हमारी लिपिड बायलेयर सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, आप प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसका जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्रोकैरियोटिक सेल हमारा सिंगल सेल्ड होता है और यूकैरियोटिक सेल हमारा मल्टी सेलुलर मोस्टली होता है। थैंक यू।